नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं बड़े बुजुर्गों से सुनी और सब्सक्राइबर्स की भेजी दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। शाम का समय था। गांव के बाहर रमेनी साहू के बगीचे में कुछ गवई लोग जमा थे। कुछ तो अपने गाय भैंसों के साथ थे तो कुछ अपनी बकरियों के साथ। राम खिलावन तो लग्गी से सूखी लकड़ी तोड़ने में लगा हुआ था। दरअसल रमेनी साहू का बगीचा बहुत ही बड़ा था, लगभग 8-9 एकड़ में फैला हुआ था। इसमें आम के पेड़ों की बहुलता थी। देसी के साथ ही दशहरी और मालदेह के पेड़ थे। बीच बीच में कहीं कहीं महुए के भी पेड़ थे। यह बगीचा गांव वालों के सुख दुख का साथी था। रमेनी साहू ने बगीचे में एक और किनारे खपेड़ का एक छोटा सा घर बनवा दिया था और साथ ही एक कुआं भी खुदवा दिया था। राम खिलावन को इस बगीचे की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था। राम खिलावन का घर परिवार उठना बैठना सब कुछ इस बगीचे तक ही सीमित था। राम खिलावन के पहले उसके पिताजी इस बगीचे की देखरेख करते थे और उनके बाद यह जिम्मेदारी राम खिलावन निभा रहा था। रमेनी साहू गांव वालों को कभी भी इस बगीचे में आने से मना नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांव के लोग बाग अपने मवेशियों और बकरियों को इस बगीचे में चराया भी करते और थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी भी तोड़ लेते थे। कभी कभी तो लोग रमेनी साहू से पूछकर कोई डाल भी काट लेते और बगीचे में उत्तर तरफ की बसबाड़ी में से बांस भी। यहाँ पर रमेनी साहू एक काम बराबर करवाते, बगीचे में अगर कोई पेड़ सूख जाता या आंधी से गिर जाता तो वे नया पेड़ लगवा देते और बगीचे के कुएं से नियमित उसे पानी दिलवाते और उसे पेड़ की शक्ल देने के बाद ही चैन लेते। दरअसल रमेनी साहू को पेड़ पौधों से बहुत ही प्रेम था। वे इन्हीं प्रकृति का अनुपम उपहार और महत्वपूर्ण अंग मानते थे। हाँ, तो लकड़ी तोड़ते तोड़ते अचानक राम खिलावन की नजर कुएं की ओर गई। उसने क्या देखा कि एक छोटा बच्चा कुएं के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लकड़ी तोड़ना छोड़कर वह चिल्लाते हुए कुएं की ओर दौड़ा। उसकी चिल्लाहट सुनकर और भी लोग उसके पीछे पीछे भागे। अरे ये क्या, कुएं के पास जाने पर तो उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया और ना ही उसे कुएं में गिरने की आवाज ही आई। कुएं में जाकर देखा गया तो उसका जल एकदम शांत था। राम खिलावन एकदम पसीना पसीना हो गया था और सांस लेकर बोल रहा था कि उसने एक बच्चे को कुएं की दीवार पर चढ़ते हुए देखा था। खैर, लोगों को लगा कि शाम का समय है, हो सकता है उसे कोई भ्रम हो गया हो। लोग फिर अपने भैंसों की ओर लौटने लगे ताकि उन्हें हाँक कर गाँव की ओर बढ़ जाए। राम खिलावन भी तोड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने में जुट गया और रह रहकर उसका ध्यान उस कुएं की ओर चला जाता। वहीं पास में बैठे तमाकू मल रहे नेवची काका का ध्यान बराबर राम खिलावन पर था। उन्होंने तमाकू मलने के बाद उसमें थोड़ा राम खिलावन को देते हुए बोल पड़े, राम खिलावन तूने इस बच्चे को पहली बार देखा है या इससे पहले भी? राम खिलावन नवेची काका की बातों को समझ ना सका और बिना कुछ बोले बस नवेची काका की ओर देखता रहा। नवेची काका राम खिलावन के थोड़े और करीब आकर पूछ बैठे, अच्छा राम खिलावन एक बात बताओ, तुम्हें भूत प्रेतों से डर तो नहीं लगता? राम खिलावन नवेची काका के पर्सन की असलियत से अनजान हंसते हुए बोल पड़ा, नवेची काका अगर भूत प्रेत से डरता तो रात को इस बगीचे में अकेले कैसे रहता? राम खिलावन की यह बात सुनते ही नवेची काका बोल पड़े, तो सुन राम खिलावन, दरअसल तूने जिस बच्चे को देखा था वह बच्चा ना होकर एक भूत ही था, एक आत्मा थी। और मैंने भी कई बार इस बच्चे को वहाँ दीवार पर खेलते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए देखा है। अरे ये क्या, नवेची काका की यह बात सुनते ही तो राम खिलावन थोड़ा डर गया और घबराते हुए बोल पड़ा, भूत? हाँ राम खिलावन, भूत, नवेची काका ने कहा। इसके बाद नवेची काका भी सूखी लकड़ियों को बटोरने में राम खिलावन की मदद करते हुए बोले, दरअसल तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, 25-30 दिन पहले की बात है, मैं एक दिन रमेनी साहू के घर गया। दरअसल मुझे मड़ई छानने के लिए बांस चाहिए थे। मुझे पता चला कि रमेनी साहू तीर्थ यात्रा पर गए हैं और 15-20 दिन के बाद आएंगे, फिर मैं किससे बांस मांगू? यही सब सोचते हुए घर आ गया। घर आने के बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि आज की रात हम लोग चोरी से रमेनी साहू की बांस बाड़ी में से बांस काटेंगे। तुम लोग एक काम करना कि बांस काटना और मैं कुएं के पास बैठकर राम खिलावन पर नजर रखूंगा कि वह कहीं जग कर
बगीचे में ना आ जाए। फिर क्या था, आधी रात के समय मैं और मेरे दोनों बेटे यहाँ आ गए। मैं इस कुएं की तरफ आ गया ताकि तुम पर नजर रख सकूं, और मेरे बेटे बांस काटने में लग गए। अचानक मैं क्या देखता हूँ, एक छोटा सा बच्चा टेहुने के बल चलते हुए कुएं की दीवार की ओर बढ़ रहा था। मैं तो डर गया, इतनी रात को अकेले एक छोटा बच्चा यहाँ आया कैसे। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें जगाऊं, पर फिर डर लगा कि तुम सोचोगे कि मैं इस समय यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर मैं धीरे से उस लड़के की ओर बढ़ा। अरे ये क्या, मैं ज्यों ही लड़के के पास गया वह बहुत तेजी से खिलखिलाया और गायब हो गया। मैं पूरी तरह से डर गया और फिर बिना देर किए अपने बच्चों की ओर भागा। फिर क्या, उन लोगों ने जो भी बांस काटे थे उन्हें लेकर फटाफट निकलने को कहा। बच्चों को भी लगा कि शायद तुम जग गए हो। फिर क्या था, हम लोग तेजी से उन बांसों को लेकर अपने घर की ओर भाग निकले और उन्हें लेकर घर के पिछवाड़े रख दिए। इसके बाद राम खिलावन ने लकड़ियों का गट्ठर बांधकर उन्हें अपने सर पर उठा लिया और अपने साथ साथ नेवची काका को भी अपने साथ आने का इशारा करते हुए चलने लगा। खपहेड़ में एक किनारे उन लकड़ियों को रख कर उसने टेकुली से कुएं से पानी निकाला और हाथ पैर धोने के बाद नेवची काका को भी हाथ पैर धोने के लिए कहा। हाथ पैर धोने के बाद नेवची काका भी उसी कुएं के पास पड़ी एक छोटी खाट पर बैठ गए। राम खिलावन ने कहा कि नेवची काका, आज लिट्टी चोखा लगा रहा हूँ, आप भी खाने के बाद ही घर आ जाइएगा। नेवची काका ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद से नेवची काका अपनी धोती की खूट से चुनौती निकाले और तम्बाकू मलने लगे। और पास में ही राम खिलावन गौरा सुन गाते हुए बोला, नेवची काका, मेरे पिताजी ने एक बार एक घटना का जिक्र किया था, अब मुझे भी लगा कि यह बच्चा कौन है। इसके बाद भवरी बनाते बनाते ही राम खिलावन ने कह दिया, पिताजी बता रहे थे एक बार एक पति पत्नी इसी रास्ते से होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रात होने को आ गई थी और उन्हें अभी काफी दूर जाना था, तो वे दोनों यहाँ मेरे पास आए और रात को रुकने के लिए विनती किए। मैंने हाँ कर दी। स्त्री की गोद में एक दूध पीता छोटा बच्चा था। मैं और उस स्त्री का पति कुएं के पास में ही बैठकर दुख सुख की बातें कर रहे थे। तभी पता नहीं उस स्त्री को क्या हुआ, क्या सूझा कि वह कुएं से पानी निकालने लगी। मैंने कहा कि बहू रुको, मैं निकाल देता हूँ, पर मैं निकाल लूंगी। यह कहते हुए उसने ठेकुली को कुएं में डालना चाहा। अरे ये क्या, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी गोद में चिपका हुआ बच्चा कुएं में जा गिरा। फिर क्या, मैं दौड़कर कुएं में कूद गया, उसके बच्चे को बाहर निकाला, पर वह भगवान को प्यारा हो गया था। इसके बाद आलू छीलते हुए राम खिलावन ने कहा कि काका, बाबू बता रहे थे कि उस स्त्री ने जानबूझकर उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। पिताजी ने कहा था कि उस व्यक्ति ने बातों ही बातों में बता दिया था कि वह लड़का उसकी बहन का था, जो इस बच्चे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। वे लोग उसी गाँव से इस बच्चे को लेकर आ रहे थे। उस आदमी ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह बच्चा उन लोगों के साथ रहे, उसका पालन पोषण उन्हें करना पड़े। इसके लिए जानबूझकर उसने बच्चे को कुएं में गिरा दिया। इसके बाद राम खिलावन फिर बोल पड़ा, नेवची काका, दरअसल पिताजी ने मुझे इस घटना का जिक्र किसी से न करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं लोग इस कुएं का पानी पीना बंद न कर दे। फिर राम खिलावन लिट्टियों को आग पर उलट पुलट करने लगा। यह सब जानने के बाद नेवची काका को बहुत सारी बातें क्लियर हो गई थी। दरअसल 5-6 महीने पहले ही दोपहरिया में एक महिला इस कुएं में गिर गई थी, उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था, कैसे भी करके उसकी जान बची थी। दरअसल उस महिला को अपनी बैलगाड़ी में लेकर नेवची काका ही तो अस्पताल ले गए थे। दरअसल उस व्यक्ति का पति बार बार कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी, पर नेवची काका समझ नहीं पा रहे थे। फिर उस आदमी ने नेवची काका को बताया कि काका, ये कुएं में ऐसे ही नहीं गिर गई, इसे मेरे भांजे ने धक्का देकर गिरा दिया। दरअसल 2-3 साल पहले इसने मेरे भांजे को इसी कुएं में फेंक दिया था, आज मेरे भांजे ने बदला ले ही लिया। अब नेवची काका को उस आदमी की बात समझ में आ रही थी। दरअसल ये लोग वे ही थे जिसका जिक्र राम खिलावन के पिताजी ने राम खिलावन से किया था। आज वह कुआं सूख गया है और रात को कभी कभी उस कुएं के आसपास रोने हंसने की आवाज कुछ लोगों को सुनाई दे जाती है। और दोस्तों ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इस चैनल पे और भी भूतिया कहानियाँ हैं उन्हें भी जरूर सुनें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।